सो हेलो एवरी वन, कैसे आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोना ट्राई रेमन नूडल्स। और मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने अभी जितने भी रेमन नूडल्स ट्राई करे हैं, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है निशान के जो हॉट एंड चिकन वाले रेमन नूडल्स आते हैं ना, वो मेरे फेवरेट है। और यहाँ मैंने मंगवाए थे 2 रेमन नूडल्स के पैकेट, एक ये थे बुलडक के और दूसरे थे निशान के, जो कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। और ना मैंने इस रेमन नूडल्स की इतनी तारीफ देखी है यूट्यूब पर, मतलब इतने सारे लोगों ने इस नूडल्स की तारीफें करी हुई है वीडियोज़ में, तो मैंने सोचा यार मैं क्यों ना ट्राई करूँ। तो मैंने बुलडक के इससे पहले कभी कोई से फ्लेवर ट्राई नहीं करा, ये फर्स्ट टाइम मैं बुलडक के नूडल्स खा रही हूँ। ये है निशान के नूडल्स, ये तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आपने कभी रेमन नूडल्स नहीं ट्राई करे और आप बहुत कंफ्यूज हो कि कौन से नूडल्स ट्राई करने चाहिए, तो आप आँख बंद करके ये वाले नूडल्स पिक कर लो। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें 2 वैरायटी आती है, वेज और नॉन वेज, तो मुझे ये नॉन वेज वाला फ्लेवर पसंद है इसका। और दोनों नूडल्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको परचेज करना तो आप चेकआउट कर लेना। तो अब बनाते हैं हम अपने नूडल्स। यहाँ पर मैंने पैन चढ़ा दिया था, पैन के अंदर मैंने डाल दिया था 360 ml ऑफ वाटर, और वाटर जो हमारा बॉयल हो गया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे नूडल्स। तो ये नूडल्स मैंने विंकेट से मंगवाए थे, थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा कि ये नूडल्स टूटे हुए हैं। और आप भी कभी खरीदो ना ये नूडल्स, तो हमेशा चेक करना कि ये नूडल्स टूटे हुए ना। जब भी आप लोग रेमन बनाओ ना, तो ना उसको ओवर कुक मत करना। अगर आप ओवर कुक करोगे ना तो बहुत ज़्यादा गिलगिले से हो जाएंगे, ठीक है। उस नूडल्स को ना सिर्फ आप 5 to 6 मिनट तक ही कुक करना, वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं रेमन नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से नूडल्स का पानी निकाल दिया था, सिर्फ नूडल्स रखे थे। उसके बाद मैंने बनाए थे 2 हाफ फ्राई, क्योंकि रेमन का सबसे अच्छा टेस्ट आता है हाफ फ्राई के साथ और चीज़ के साथ, तो चीज़ तो इसमें। यहाँ मैंने अपने 2 हाफ फ्राइज भी रेडी कर लिए थे। तो मैंने अंडों के ऊपर ना कुछ नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था, मैंने एग्स को बिल्कुल प्लेन रखा था। तो मैंने हाफ फ्राई को ना ढक दिया था ताकि थोड़ा स्टीम से ऊपर से थोड़ा कुक हो जाए। तो 3 मिनट्स के बाद मेरे हाफ फ्राई कुछ इस तरह दिख रहे थे, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे नीचे से, और ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, और ये ऊपर से भी कुक हो गए थे। तो अब हम करेंगे नूडल्स को टेस्ट। तो इन नूडल्स के साथ आपको मिलते हैं 2 शैशे, एक में था चीज़ पाउडर एंड वेजीज और दूसरे में थी सॉस। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। सबसे पहले मैंने सॉस मिलाई थी, तो पहले मुझे लगा था कि सॉस बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये स्पाइसी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी थी कि आप आराम से खा सकते हो। और उसके बाद मैंने मिला दिया था चीज़ पाउडर, और इस चीज़ पाउडर की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब सुनकर ही मन कर रहा था कि इसको खा लो, इतना ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो दोनों चीज़ें अच्छे से ऐड करने के बाद मैं सारी चीज़ों को कर लूँगी अच्छे से मिक्स। तो आप चाहो तो चॉपस्टिक से भी खा सकते हो, तो मैंने चॉपस्टिक से आज तक कभी नहीं खाया, तो मैंने यहाँ पर फॉक यूज़ करा था, और फॉक से ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा था। और जब मेरे नूडल्स अच्छे से मिक्स हो गए थे, उसको भी मैंने रख दिया था अपना हाफ फ्राई। और आप देखो ये नूडल्स कुछ इस तरह के लग रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहे थे देखने में। और अब मैं इसको करूँगी टेस्ट। तो इस वाले नूडल्स का फ्लेवर सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं आप सभी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतना टेस्टी नूडल्स है ये। मतलब इसमें चीज़ का ही फ्लेवर था, थोड़ी सी मिर्ची भी थी, थोड़ी सी स्वीटनेस भी थी, तो ये बहुत अलग ही मतलब फ्लेवर था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अगर आप मेरी तरह सोच रहे हो ना कि आपको रेमन नूडल्स ट्राई करने हैं कौन से करूँ, तो आप ये वाला फ्लेवर ट्राई कर सकते हो। ये वाला फ्लेवर सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला फ्लेवर। तो यूट्यूब पे लोगों ने इतनी वीडियोस बना रखी है इस वाले फ्लेवर पे, तो मुझे अब जाके समझ आया क्यों बना रखी, क्योंकि ये फ्लेवर ही इतना ज़्यादा अच्छा है। और इस वाले फ्लेवर को खाने के बाद मैं डेफिनेटली इसके और भी फ्लेवर्स ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे लगता है कि इसके और भी फ्लेवर्स होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो निशान के हॉट एंड चिकन फ्लेवर वाले रेमन नूडल्स के बाद मुझे ये वाले नूडल्स है जो पसंद आया। मैंने नॉर के भी ट्राई करे थे, पर नॉर के तो इतने ज़्यादा बेकार थे, कभी भूल के भी ट्राई मत करना वाले नूडल्स। बाकी इस वाले नूडल्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, अगर आपको मन हो आपका खाने का तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और वीडियोस डालूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने नूडल्स को एंजॉय। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।